हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज आपको हम क्या दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। श्यामा मंदिर में नवाह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। भीड़ की वजह है यहाँ लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है। आस्था एक ऐसी जिसे जान आप भी चौंक जाइएगा। इस मंदिर का जो इतिहास है वह बहुत ही कम लोगों को पता है। शमशान में चिता के ऊपर स्थित है यह मंदिर। माँ के दर्शन से होती है मुरादें पूरी, ऐसी ही कुछ इस मंदिर का इतिहास है। बिहार के दरभंगा में एक ऐसा मंदिर है जो चिता के ऊपर बना हुआ है। यह मंदिर माँ काली का है, जिसे लोग श्यामा मंदिर के नाम से यहाँ लोग जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा यह मंदिर मिथिला में प्रचलित है। कोई भी अगर घर में शुभ काम होता है तो लोग यहाँ आके दर्शन कर लेते हैं, तो ही उस काम को शुभारम्भ करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, चाहे वह शादी हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, लोग यहाँ जरूर आते हैं दर्शन करने पहले। मंदिर है वो एक शमशान घाट पे स्थित है, और शमशान घाट किसका है वो भी जानकर आपको आश्चर्य होगा। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता के ऊपर माँ काली का यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर 1933 में बनाया गया था, जो महाराजा कामेश्वर सिंह ने बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ काली की विशाल प्रतिमा है। इस प्रतिमा के दाहिने ओर महाकाल, बाईं ओर गणेश जी और बटुक देव की प्रतिमा है। यहाँ पर माँ काली की पूजा वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से की जाती है। ज़्यादातर भारत में मंदिरों में वैदिक रूप में ही पूजा की जाती है। मंदिर में होने वाली आरती का बहुत ही विशेष महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि शादी के एक साल तक नवविवाहित जोड़ा को शमशान घाट तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन शमशान भूमि में बने इस मंदिर में नवविवाहित जोड़े श्यामा माई से आशीर्वाद लेने आते हैं। साथ ही इस मंदिर परिसर में शादियां भी संपन्न कराई जाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर आदि का निर्माण पूरे विधि विधान के साथ एक पावन स्थल पर किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मंदिर में साक्षात भगवान का वास होता है, इसलिए यह जगह काफ़ी पावन होना चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है अगर किसी मंदिर का निर्माण शमशान भूमि पर हो तो क्या होगा? जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि शमशान भूमि में इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्यों यह मंदिर एक चिता के ऊपर बनाया गया है। तो इसका आज तक किसी को सही से पता नहीं चल पाया है कि इसके बनाने के पीछे क्या राज था, लेकिन यह अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जो कि बिहार के दरभंगा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में 9 दिनों तक नवाह होता है, जिसका शुभारंभ कलश शोभा यात्रा से होता है।
इस 9 दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भक्तजनों की भीड़ लगती है, साथ ही यहाँ पे लोगों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह प्रतिमा पेरिस से लाया गया है। मंदिर के अंदर जहां माँ श्यामा की प्रतिमा है, वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना स्थल के मंडप में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित कई तांत्रिक यंत्र मंदिरों के दीवारों पर देखा जा सकता है। जानकारों का कहना है कि श्यामा माई की प्रतिमा जो है वह माँ सीता का ही रूप है।